नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जिस तरह से कोविड के जो केस हैं लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज कुछ जो केस हैं वो कम भी हुए हैं। इन सब में जो थे जो एक्टर्स थे, यानी कि जो आर्टिस्ट थे, कहीं ना कहीं वो पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आए, क्योंकि पिछला साल जो था वो भी कोविड में चला गया। और दूसरा अभी ये जो स्ट्रेन आया है, इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से शूटिंग्स या जो फिल्में बनती थी या मॉडलिंग के कुछ शोज़ होते थे वो नहीं हुए। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत जो थी वो लोगों में आई। और हम आपको ये बता दें कि जो एक्टर था, जो मॉडल था, आज बैकफुट पर है, कहीं ना कहीं बेरोज़गार सा अभी हो चुका है। हम आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ेंगे आज दिव्यांश, जो एक मॉडल एंड एक्टर्स हैं। हम उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे दिव्यांश से बात करने की। दिव्यांश जी सर, पहली मुझे ये बताएं, कोविड जो है उसका दूसरा स्ट्रेन आ चुका है, और किस तरह से जो एक्टर्स हैं उनको दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर थैंक्स करता हूं। जी सर, ये देखिए, एक्टर्स जो है सर, इस टाइम बिल्कुल रोड़ों पे उतर चुके। देखिए, प्रशासन सबका साथ दे रही है, और एक्टर्स को एक बार भी किसी ने नहीं पूछा क्या म्यूजिक वाला हो, क्या ढोलक मास्टर हो, क्या शाजी हो, क्या साउंड वाले हो। एक बार भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं पूछा कि एक्टर्स ये लोगों का क्या बनेगा, क्या होगा। सर प्लीज, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब रुल चुके हैं, और एक बार भी किसी ने नहीं साथ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्कुल साथ ही नहीं दिया। दिव्यांश मुझे ये बताएं, आप किस तरह के एक्टर थे? मॉडलिंग एंड वो तो आप करते थे, लेकिन आपके साथ कितने लोग जुड़े होते, और किस तरह से ये जो सिस्टम जो था एक्टिंग चलती थी? और बहुत से जो युवा एक्टर्स हैं, यानी कि जो नए नए उभरते हुए कलाकार थे, वो आज बैकफुट पर जा चुके हैं। जी सर, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात बता दूं, मैं एक्टिंग करता था, सॉन्ग्स और वीडियोस में एक्टिंग करता था। हमारा एक टीम वर्क होता था, टीम वर्क एक होता है ड्रीम वर्क। जी। और पीसीए कंपनी का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और हमारे साथ पूरी टीम चलती थी। सर आज हमारी पूरी टीम, कोई उधमपुर का है, कोई कहीं का, सब मतलब कि अब ऐसे ही रह गए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर, हम देखो, अब यहाँ उधमपुर से आने के लिए, जम्मू में पहुंचने के लिए पैसे भी चाहिए, और ये आपको पता है कि इस टाइम तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम में ना कि हमारे पास यहाँ पे एक्टर्स के पास, किसी के पास ना यहाँ पे पैसे हैं, ना कुछ है सर, बिल्कुल ही टोटली ही मतलब कि जीरो हो गई है, एक्टर लाइन ही जीरो हो गई है अब तो हमारी। दिव्यांश, लगातार जो कोविड के केस थे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एक्टर सिंगर मॉडल वो जो लोग थे, जो लोग उनकी जो वीडियोस देखते थे, यानी कि अगर कोई पिक्चर बनती है वो देखते थे, उनकी मतलब कि अंदर की जो भावनाएं होती हैं लोगों की, आज भी लोग न्यूज़ से ज़्यादा पिक्चर देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग डर चुके हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होती नज़र आ रही आपको? सर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े एक्टर्स थे, जितने थे सर, आज दिन तक इतना ये थोड़ा जो इस टाइम ये जो 2021 आया, तो इसमें तो ये तो एक्टर्स के लिए बहुत ही अनलकी आया है। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड के एक्टर भी अपना स्वर्गवास कर चुके हैं सर, इस चीज को देख के तो बहुत ही रोना आता है। दिव्यांश चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, ये थे हमारे साथ जुड़ चुके दिव्यांश। हम आपको ये बता दें कि लगातार जो एक्टर्स थे, कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के जो सितारे थे, आज भी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और लोगों को SOPs का पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं। और सोनू सूद जिस तरह से लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं, और बहुत से जो एक्टर्स हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, इंडिया की, भारत की, जम्मू कश्मीर की जो है वो मदद करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जो कोविड का वक्त है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का जो वक्त है, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी सरवाइव अभी इस वक्त बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका है, और सरकारों से जो मिलना था वो सिर्फ़ एक आश्वासन सा मिल रहा है। हम आपको बता दें, जिसने इस कोविड महामारी में अपने घर के जो लोग खोए हैं, उनको पता होगा कि किस तरह से ये जो 2021 आया है, यानी कि जो दूसरा स्ट्रेन आया था, अगर सरकारें चाहती तो पहले स्ट्रेन में ही इसको रोक सकती थी, दूसरे स्ट्रेन में
अगर पहले स्टेज में उन्होंने ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए होते, कहीं ना कहीं जब हम बाहर की तरफ देख रहे थे, अमेरिका में जो मौत का दर था वो बहुत ज़्यादा था, इनको एक सीख थी इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये हमें जो है ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और लोग जो हैं इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से जो टीकाकरण की गति है वो धीमी हो चुकी है, अब तो ये भी बता दिया कि जिसको अभी इंजेक्शन जो लगाया जाएगा कम से कम उसके जो इन्फेक्टेड होगा उसकी अवधि जो है वो 6 महीने 6 महीने की जो अवधि है, इन्फेक्टेड होने के बाद 6 महीने के बाद जो है वो इंजेक्शन लगवा सकता है। चलिए ये भी देखते हैं, हम तो यही चाहेंगे हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जल्द से जल्द ठीक हो, और कोशिश हमारी यही रहेगी हम कोविड को हरा के हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और SOPs का जो है वो पालन करेंगे। बाकी तमाम की अगली अपडेट के लिए आप जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार।